गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। हम लोग पुणे आए थे, अगर आप लोगों को लास्ट व्लॉग से नहीं पता है, कल रात को पुणे आए थे बिकॉज आज हमें पंचगनी निकलना था और पंचगनी घर से काफी घंटों का रास्ता दिखा रहा था, रास्ते में पुणे पड़ना था, तो सोचा था कि अपर्णा जतन के पास एक रात रुक भी जाएंगे और मिलना भी हो जाएगा और हम लोगों का जो सफर है वो डिवाइड हो जाएगा दो दिन में। तो कल रात को यहाँ पहुंचे थे, अब हम लोग निकले हैं यहाँ से। टाइम हो रखा है 7:48, टारगेट किया था 7 o'clock, लेकिन सुबह हमें लग रहा था कि हम चुपचाप निकल जाएंगे, बट अपर्णा उठ गई थी तो फिर उसके साथ बैठ गए, फिर चाय भी पी ली, तो उस वजह से 7:48 हो गया, अब हम निकल रहे हैं। बट चेक इन टाइम इज 11, वी आर नॉट रियली लेट। दो घंटे का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से, मैक्सिमम 3 में हम पहुंच जाएंगे, तो भी हम परफेक्टली मतलब ऐसे चेक इन टाइम तक ही पहुंचेंगे। कम हो गया है, सामान वामान सेट कर रहा है, मैंने कहा मैं व्लॉग शुरू कर लूं, लेट्स गो। यू हैव नो आइडिया हाउ मच वी नीडेड दिस ब्रेक। फाइनली वी गोइंग आउट समवेयर विदाउट एनीबडी, जस्ट कमल एंड मी, नो बच्चे, नोबडी एल्स, रियली नीडेड। ओके, लेट्स गो। ड्राइविंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ बिकॉज अभी अच्छी रोड मिलेगी, बड़ा मजा आएगा, और फिर जब गंदा सा सड़ा सा ट्रैफिक आएगा कहीं पे, तब मैं गाड़ी दे दूंगी कमल को। बेचारे कमल का भी तो मन कर रहा है ना गाड़ी ड्राइव करने का, इसलिए को मैं तेरे को दे दूंगी जब गंदा ट्रैफिक आएगा तब। ठीक है बाबू। चलो। और आज तो मैं नहाई ही नहीं, मैंने कहा यार दो घंटे का रास्ता है, सुबह सुबह निकल रहे हैं, वहाँ जाके ही नहाऊंगी, वहाँ जाके वैसे भी नहाना ही है, चाहे मैं नहा के जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो मैंने कहा वहीं जाके नहा लेंगे, तो आज मैं नहाई नहीं हूँ। मैं तो नहा के निकला हूँ। रोएन दो, तुम्हारा इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तुम कभी नहीं नहाते, लगा अगर इतनी जल्दी निकल रहा हो तो इसलिए मेंशन ही नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं नहा के निकली हूँ आज, कभी नहीं नहाता सुबह इतनी जानी होती जल्दी। आई डोंट थिंक तुम नहा के जाते हो, ऐसे ही निकल जाते हो। चलो, जयकारा शेरा वाली माई दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। GoPro सेट हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी है। हाँ, बहुत अच्छा मौसम है। Stopping for a coffee. एक मैक एग दे दो, एक हैश ब्राउन दे दो, एक स्पिनिच एंड कॉर्न बर्गर है, हाँ स्पिनिच एंड मैक मफिन, वेज मैक मफिन दे दो। हाँ ठीक है दोस्तों। So we have veg McMuffin, hash brown and egg and cheese McMuffin for breakfast. खाने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी सुनहरी सी जर्नी को। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हाईवे है, थोड़ी थोड़ी ठंडी भी, थोड़ी थोड़ी ही बहुत ठंडी है, मेरे को तो ज्यादा ही ठंड लग रही है, मेरे को ज्यादा ठंड लगती भी है इसलिए। ओके, खान पान हो गया, कॉफी पी ली, नाउ वी आर लीविंग। ड्राइवर चेंज हो गया, कमू चलाएगा थोड़ी देर और फिर मैं थोड़ी देर में ले लूंगी कमू से। ईस्ट और वेस्ट, कमू इज द बेस्ट। ओके दोस्तों, पहाड़ियों का रास्ता शुरू हो चुका है। अभी हम सिर्फ 5.9 किलोमीटर दूर हैं, विद इन 13 मिनट्स हम लोग अपने होटल जो है पहुंच जाएंगे। एहसास हो रहा है इधर थोड़ा थोड़ा, नहीं मुझे इतना जरूर पता है कि अब रात को बहुत ठंड होने वाली है। ओके गाइस, चेक इन कर लिया है, पहुंच गए हैं। रूम टूर दे देती हूँ आप लोगों को, हाँ पहले, और उसके बाद फिर हम लोग लंच ऑर्डर करेंगे, चिल करेंगे थोड़ी देर, अभी तो वी नीड टू रेस्ट, बाकी फिर आगे का बाद में देखते हैं क्या करना है। किस चीज में बिजी हैं आप? फोटो अपलोड कर रहा हूं। सबसे पहले पीऊंगी मैं चाय, तुमने नहीं पीनी? नहीं, आई हैव वाटर। कॉफी?
है कॉफी यहाँ पे भी? नहीं, मेरे को नहीं पीनी, मेरा मन ही नहीं कर रहा चाय कॉफी पीने का, पता है तुम्हें? ओके, देयर इज सम इशू विद द केटल, आई डोंट नो, इट्स नॉट वर्किंग, बट ऑन है। नहीं नहीं, उधर स्विच बोर्ड पे देख करके देख लिया ये भी। अच्छा हाँ, ओके ओके, यही है। ज्यादा ही काली हो गई चाय, दूध डाल दो। हाँ बस दो दिन की इस बेड पे पड़े रहना है हमने। वी हैव जस्ट कम टू रिलैक्स, लेट्स सी, कुछ थोड़ा बाहर जाने का मन किया तो जाएंगे, अदरवाइज बस यहीं पड़े रहेंगे हम। कम्मू अपने बहुत सारे कपड़े लेके आया, दिस बैग इज मोस्टली कमल्स क्लोथ्स। आई थॉट फॉर अ चेंज आई विल क्लिक सम पिक्चर्स हियर। या तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें लंच यहाँ करना है या बाहर करना है। मैं कम्मू को बोल रही हूँ कि कम्मू जो तुम्हारा मन है वो करेंगे, कम्मू मुझे बोल रहा है कि जो तेरा मन है वो करेंगे। तो कम्मू ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, लेट्स फ्लिप अ कॉइन। तुम अपना बताओगी, मैं अपना बताऊंगा, फ्लिप कॉइन करेंगे, जो टॉस जीतेगा देन इट्स हिज कॉल। ठीक है, ओके, आई विल गेट अ कॉइन। टेल्स एक नंबर लिखा हुआ, तो हम रूम में करेंगे। मुझे पता है टेल्स कौन सा होता है साइड, नहीं मैं वो दिख नहीं रहा तो उधर बताने के लिए। हाँ। ठीक है, और अगर हेड आया तो हम रेस्टोरेंट में जाके करेंगे। हेड नहीं, हेड्स, हेड्स आया तो रेस्टोरेंट में जाके। ठीक है, देखो तो क्या है, टेल्स, टेल्स पे क्या था, क्या था? रूम में मंगवाएंगे, रूम में करेंगे। चलो अच्छा, वेज पर मेरा मन नहीं है रूम में। अभी तो तू बोली कि तू डिसाइड नहीं कर पा रही कि तुझे कहां पे वो अभी आते ही, अरे तुम्हारी लगवा लोगे तुम्हारी कमर फिर भी। तुमने बोला कि तुम डिसाइड नहीं कर पा रही थी तुम्हें क्या करना है, अब तुम कह रही तुम्हें रेस्टोरेंट में जाना है। जैसे ही मेरे जो मैं चाहती थी उससे ऑपोजिट आया ना, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। चलो लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउट। हाँ चल, वेज नॉन वेज का करते हैं। तो वेज हेड्स आया तो नॉन वेज। ठीक है, नॉन वेज परफेक्ट, क्योंकि अगर वेज आता तो मैं वैसे भी बोल देती कि मेरा नॉन वेज खाने का ही मन है। कम्मू ने चेंज कर लिए कपड़े क्योंकि कम्मू को फोटोज खिंचानी है। तो 12:30 हुए हैं तो वो बोल रहे हैं कि अभी लंच का ऑर्डर ही नहीं हम लेंगे, 1:00 से शुरू होगा, तो वी आर गोइंग बैक टू द रूम। अब नहीं कुछ पता है कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मे बी रूम में ही कर लेंगे, बट वाओ लुक एट दिस, इतना खुला खुला, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। 12:30 बजे अब हम रूम से ऑर्डर कर देंगे और 1 बजे आ जाएगा, मतलब 12:30 तो हो ही गए, बस अब जाके ऑर्डर करेंगे, 1 बजे आ जाएगा। उसके आने तक हम क्या खाएंगे? अरे कुछ नहीं खाएंगे यार, आधा घंटा ही तो है। चल फोटो खींचू, आ जा फोटो खींच दूं तुम्हारी। सीरियसली यू रियली वांट दिस? सेनोरिता जल्दी से मेरा फोटो खींच। मेरा एक मेरे पास यहाँ पे खड़ी हो ना स्कूल के पास, मेरे से बात कर ले, आ जा एक बार तो सही। चल आ जा। मुझे, मैं डरूंगी नहीं, मुझे पता है कि तुम ये काम कभी नहीं कर सकते, तुम्हें अपना बुरे टाइम को बुलावा देना। अभी अच्छा चल रहा, अब कमल कोई भी बात बिना टॉस के नहीं मान रहा। मैंने कहा चलो रूम में चले, कह रहा मैं धूप सेकूंगा, रुक मैं क्या करता हूँ टॉस। एक पाया तो रूम पे जाएंगे, हेड जाया तो, तेल आया तो रूम पे जाएंगे, हेड आया तो नहीं जाएंगे, हेड जाया तो नहीं जाएंगे। टेल्स तुमने ऐसे करके इधर आया था, ये इधर, फिर तुमने दूसरे इस पे, दूसरे इस पे करा, हेड था नहीं जाएंगे, टेल्स है जाएंगे, बता क्या है अब, पता क्या आया? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ठीक है, टेल्स ही आया। चलो फिर रूम पे। तू ना बहुत वो कर रही है, तेरे को गजनी बदली धीरे धीरे। आई नो, है ना, पर नहीं यार, तू जैसी भी मेरी बच्ची है। जैसी भी है मतलब क्या? एक कैसे बोला, जैसी भी, कैसी भी, कैसे बोला, जैसी भी क्या होता है, जैसी भी मतलब जो मट्टी खोदती है, जैसी भी, जैसी भी। अलार्म बज रहा है, मैं छोड़ के चली गई थी। तुम्हारे फोन में इतने अलार्म क्यों है, इतने अलार्म लगा रखे तुमने, तुम इतना तो उठती सोती नहीं हो। पानी पीने के लिए मैंने ना 4 अलार्म लगा लिया कम्बू, मैं ठीक है लगा लिया, चल ठीक है, उठने का मैं मुझसे पूछती है सोने से पहले कम्बू कितने बजे का अलार्म लगाना है, मैंने बोला 6 बजे का ठीक रहेगा, हाँ तो मैं 5:45 का लगा लेता हूँ, हर चीज में तुमसे आगे रहूंगी, उठूंगी मैं पहले 5:45 तुमसे 15 मिनट पहले, चाहे इसमें उठ के पता क्या करना होता है, कम्बू उठ जा, टाइम मिल गया, चल हट जा भाग जा।
ये एरिया भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा है। तुम मेरे साथ बेड में नहीं सोओगे? नहीं सोऊंगा तो वही मैं। मुझे पूरी उम्मीद है मैं रात तक इधर आ जाऊंगा। कोई ऐसी बात कर दूं जिस पे लड़ पड़ेंगे फिर मेरे को इधर आना पड़ेगा। लग गई यार, खाने के लिए आए थे, ऑर्डर करना है, जल्दी करो ऑर्डर। तू कैमरा लेके क्यों खड़ी है? जिस तरीके से मुझे लग रहा है ना, हमारा पहला जो टॉस था कि यहाँ खाए या बाहर, वो फेल हुआ है। मुझे लग रहा है अभी हम फोन करेंगे इनको कि हाँ जी दो चिकन कबाब्स और ऐसे करके, वो कहेंगे सॉरी मैम इट्स अ वेज प्रॉपर्टी, तो हमारा दूसरा भी फेल हो जाएगा। कितने एटीट्यूड में फोन उठाएगा मुझे। नीचा कर दे। तुम चश्मा उतार लोगे या पूरे ट्रिप पे लगा रहेगा? हेलो हाय, आई वांट टू ऑर्डर लंच फॉर माय सेल्फ एंड फॉर माय वाइफ। कैन आई गिव द ऑर्डर नाउ? हाँ, मेन्यू कार्ड चाहिए। मेन्यू कार्ड कहाँ पे है? रूम में मेन्यू कार्ड कहाँ रखा होता है? मतलब मैं वहीं जाना चाहूँ। हेलो, हाँ मेन्यू कार्ड, मतलब ऑर्डर किससे करेंगे? यार वो फोन काट दिया उसने। छोड़ो, हुआ ये कि तुमने फोन किया ऑर्डर करने के लिए, जैसे उसने बोला हाँ जी बताइए ऑर्डर करिए, तो तुझे हुआ कि करना क्या है ऑर्डर ये नहीं पता। मेन्यू है। खाना इज हियर, वी गॉट कढ़ाई चिकन, तंदूरी रोटी एंड सम सैलेड। हम ऐसे बाय द विंडो बैठ गए हैं यहाँ पे, बेसिकली उसे साफ छोड़ दिया ऐसे ही, और इधर जो एक बेड था और इधर हम खाना खा रहे हैं। और विंडो के पास बिल्कुल अच्छे व्यू में, बहुत अच्छा लग रहा है ना। मतलब आई नो व्यू इज नॉट दैट, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट स्टिल वेरी क्लोज टू ग्रीनरी एंड अ डिफरेंट सेटअप देन यूजुअल। हेलो हेलो, हम लोग सो गए थे। आज का दिन तो सो के निकल गया। मैगी ऑर्डर और कमल ने किया है पनीर के पकौड़े ऑर्डर चाय के साथ, तो दोनों अब चाय पियेंगे। शाम के बज गए 6 और अब दिन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। अब यहीं पे डिनर करेंगे, कल हम लोग बाहर निकलेंगे, आज वी रिलैक्स्ड चाय पीते हैं। कमुद्दू ऐसे बेड में ऐसे राजकुमार सा लग रहा है, पता है? सच्ची में राजकुमार की सेवा करो। मैं कहीं से दासी नहीं लग रही हूँ, मैं भी राजकुमार ही लग रही हूँ, ध्यान से देख। तो राजकुमार ही लग रही हूँ? हाँ। तो तुम बम्बल के अंदर आओ। स्नैक्स आ गए हैं, पनीर पकौड़े, मैगी। स्नैक्स तो हमने खा लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी चाय लेके ऐसे बाहर बैठने, बिकॉज इनका ये गार्डन एरिया और ये सब बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमने कहा चाय हम बाहर बैठ के एंजॉय करेंगे। इतना सुंदर मौसम हो रखा है, कम्बू को लग रही है ठंड, कम्बू को थोड़ी और एक्स्ट्रा ठंड लगती है, तो कम्बू ने स्वेटर पहन लिया है और मैं एक भी स्वेटर नहीं लेके आई हूँ। मैंने ये सोचा था अगर मुझे ठंड लगी अगर तो हम कम्बू के स्वेटर पहन लेंगे। कोको वहाँ बैठते हैं पूल के पास उधर। ऑसम, चल कोको मैं डालती हूँ। वैसे हमने डिसाइड किया था हम वहाँ पे सिर्फ खाना खाएंगे, बट कमल पूरे फायदा उठा रहा है उस जगह की, कोई तंग करने वाला नहीं है, कमल वहीं पे लेट रहा है। इट्स वेरी रिलैक्सिंग हियर। तो बच्चे अलग रूम ही ले लेते तुम मेरे से, इतना रिलैक्स करना था तुम्हें अगर expensive. मतलब अगर एक्सपेंसिव ना होता तो तू ले लेता अलग रूम। बिल्कुल भी नहीं, तुझे बोलता अलग लेने की। मैं फाइनली नहाने जा रही हूँ, कम्बू तो नहाया ही नहीं आज, क्या हॉलीडे पे आए। ये होता है प्रॉपर हॉलीडे, वैसे प्रॉपर वेकेशन जिसमें नहा भी नहीं रहे हो। अब मैं नहाने जा रही हूँ बट मैं नहीं रुक पाऊंगी, और अभी बड़ा ऐसे फील हो रहा है गंदा सा, तो सोने से पहले आओ, आओ। नाना जी हाँ, और तुम भी नहा लो। मैं तो नहाया ना। तुम नहाए? बताना जरा कल। कम्बू तो नहा ही नहीं रहा। चल कोई नहीं, अब कल सुबह ही नहा लेंगे। तुम नहा लेना, मतलब मैं तो अभी जा रही हूँ।
मुझे पता था, मतलब मैंने देख लिया था ये पैकिंग हल्का सा, मेरे का पक्का मेरे कुछ लेके आया कोको क्या है कोको वो पैकिंग कर रहा था तो ये इतनी टेप थी, सेलो टेप तो थी नहीं, तो इलेक्ट्रिशियन वाली टेप थी, वो इतनी लगाई थी, इतनी देर में मिस्टी उठा के लगी टेप को और मिस्टी खा गई, फिर इतना ही बैक किया मैंने, चलना इतना चलता है रुक जा हाँ एक्चुअली नीचे बैठ के कंकड़ पत्थर है तो पोजीशन संभाल के बैठना। चलो गिफ्ट खोलते हैं, वैसे तो खोलने की जरूरत नहीं, खुले ही पड़ा है। कोको ये तूने घर से उठाया ना? हाँ। पैकिंग पेपर। अच्छा ओ कोको, थैंक यू कोको। और कितनी हिंट चाहिए तुझे? सबसे महंगा हिंट दिया तेरे को। पतली हो जा, थोड़ा हिल लिया कर। देख ले मैं एक महीने टेस्ट करूँ तेरे को। कमल और कितने उधर को घड़ी सिर्फ ट्रैकिंग के लिए। अरे देख रैपिंग पेपर चला गया मेरा, ये अगले साल फिर काम आ जाएगा, मैं संभाल के रखता हूँ, अगले साल फिर काम आ जाएगा। हाँ, वो तो अच्छी चीज है वैसे। अगले साल अभी मेरा बर्थडे आ रहा है यार, गिफ्ट उस पे टाइम पे भी तो देना है तुमको। तेरे बर्थडे पे सबसे अच्छा गिफ्ट मिल रहा है। कमू ने मुझे क्रिसमस पे भी गिफ्ट दिया, वो ब्लूटूथ स्पीकर। यस, कौन सा कोको? बोट का ना? बोट का। हाँ, वो पोर्टेबल टाइप का है। अभी दिखाऊंगी। कोको खोल ले रहा। हाय कोको, कलर कितना प्यारा चूज किया यार तूने। पता है कोको, अगर मैं खरीदती मैं कभी भी ये कलर ना लेती यार, मैं ब्लैक लेती कोको। एंड नाउ आई एम सो हैप्पी। वाओ कोको, चार्जिंग पे लगा दो इसको। पहले मुझे पहनाओ, उतारो। जय माता दी, कितनी अच्छी लग रही कोको। बहुत स्लीक, वेरी नाइस कोको, आई लव द कलर। हाँ कोको, थैंक यू, दिस सो नाइस कोको। कोको चालू कर दे इसे। अब इसको चार्ज करना पड़ेगा पहले, हमेशा ना फर्स्ट टाइम चार्ज करना जरूरी है। ओके ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको चार्ज, जब तक चाय पीएंगे तब तक चार्ज हो जाएगी। अच्छी ठीक है। हम लोग घास से उठ के यहाँ पे आ गए हैं, बिकॉज हमें कीड़ियाँ दिख गई वहाँ पे चलती हुई, रेड वाली चीटियाँ यहाँ पे बैठी हैं, पता चले कटवा लिया अपने आप को। हॉलीडे मनाने आए थे, सूझ के चले गए। जैसे चाह तो डाल दे, तू डाल ले आज, कल रात को मैंने डाली थी। कल की बात पर आज नहीं, कहानी मैंने मेरी रहनी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। नहा धो लिए हैं, बट मैंने सेम नाइट सूट पहन लिया है, बिकॉज अब मैं कहीं बाहर जाऊंगी तभी चेंज करूंगी। और कम्मू पूरा रेडी वेडी होकर निकला है, बिकॉज कम्मू विल गेट हिज फोटोज क्लिक्ड। कोई चप्पल नहीं लेके आई मैं तो, पंजाबी जूती में घूम रही हूँ सुबह सुबह नाइट सूट के साथ। तो हम लोग अब लंच करने के लिए निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद तो हम लोगों ने सिर्फ रूम में चिल किया, कमल और मैंने वेदर एंजॉय किया, और अब हम फाइनली निकल रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अ प्लेस वेयर वी वांटेड टू स्टे। जब हमारा पंचगिनी आने का प्लान हुआ था तो वी वांटेड टू स्टे एट दिस प्लेस, बट वहाँ पे कोई भी हम डेट्स डाल रहे थे वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं मिल रही थी वो प्रॉपर्टी। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था ठीक है हम रह कहीं और लेते हैं, बट हम एक टाइम वहाँ पे जाएंगे लाइक लंच या डिनर के लिए। सो फाइनली हम जा रहे हैं लंच के लिए। जगह का नाम है रिवाइन होटल, और उसके अंदर जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है द मेल्टिंग पॉट। ओके ठीक है, चलो लेट्स गो। मैंने कम्मू का स्वेटर पहन लिया, बिकॉज हमारा वहाँ से भी आगे जाने का प्लान है, आते हुए ठंड हो जाएगी। तो जो मैं अपने लेके आई थी पहनने के लिए, हमेशा की तरह हॉलीडे पे मैं यही करती हूँ, I don't end up wearing my own clothes. I end up wearing Kamu's clothes. Yes, so that's why I always carry extra now. Kamu is looking amazing. Turtleneck t-shirt, jacket carry kar liye. Nice. I like it. This place is just 8 minutes away from where we are staying. Where's the parking? This is the hotel we wanted to stay in. This is so good.
गुड, ओ माय गॉड, वाओ, इट्स सो गुड यार। कोको क्या धांसू लग रहा है यार। हम लोग लंच का ऑर्डर देके पहले रूम्स देखने आ गए, बिकॉज़ हमें प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी लगी। हमने ऑनलाइन देखी हुई थी और विन्यू के हमें अच्छी लग रही है, बट अभी आमने सामने से और अच्छी लग रही है। तो ऑर्डर प्लेस करके रूम देखने आ गए। Guys, लंच इज डन और अब हम यहाँ वाले एरिया में वापस आके, यहाँ पे एक्चुअली अभी वर्किंग नहीं है, शाम को आप इसको ऑपरेट, ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो हम लोग लेकिन खाना खा के यहाँ आए, कमल की और मेरी खूब सारी फ़ोटोज़ खींची और मैंने फॉर अ चेंज फ़ोटोज़ खिंचवाई। मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवाती नहीं हूँ, मैं व्लॉग वगैरह करना पसंद करती हूँ बट उतना ज़्यादा ऐसे फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाती हूँ, इसीलिए इंस्टा पे मेरे ट्रिप्स रिलेटेड कोई फ़ोटोज़ नहीं होती। बट या आज खिंचवा ली और अब जो है हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो हमने सोची थी हम जाएंगे। यहाँ पे एक आर्ट विलेज है जो हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, बिकॉज मैं और कमल दोनों ही आर्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा एक विलेज देखना जहाँ पे बहुत सारे आर्टिसंस होंगे और लेट्स सी अभी क्या है वहाँ पे पता नहीं है। तो वहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो लाइक 10 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर, सो इट्स परफेक्ट, लेट्स गो। पहुँच गए हम यहाँ पे, दिस इज द वे दैट लीड्स टू द आर्ट विलेज। So this is actual leaf, real leaf, जिसको प्रिजर्व किया हुआ है ब्रास की कोटिंग से। क्या दोनों बोले? लीफ था, हाँ। वो जल गया है, जल उसके बदले और ब्रास वहाँ पे वो आ गया, सेब आ गया उसका। अच्छा अच्छा, ये मिर्ची है, एक्चुअल मिर्ची, लाल मिर्ची जो होती है। वाओ, अच्छा कोको, दिस इज रियल लाल मिर्ची। तो ये भी मतलब क्या कास्टिंग करते समय कास्टिंग जल गया मिर्ची, उसके बदले आपके पास स्नैक्स ब्रास। अच्छा, पंपकिन से बना हुआ है सारे के सारे। कमोलो गेट दिस एक्चुअल मैंगो लीफ। वाओ, तो यहाँ पे ये आप बोल रहे हो ये चीज की वीविंग चल रही है अंदर? हाँ, हाँ। आप बना रहे हो? हाँ। अरे वाह, और उधर पेंटिंग? वाओ, ये सारी हैंड पेंट होके इनकी विंड चाइम्स बनेंगी। हाँ। और वो वीव करेंगी उधर। ओके ओके, अच्छा ये है वो विंड चाइम्स जो अंदर पेंट हो रही है, वीव होंगी। अंदर आर्टिस्ट जो बैठी है उसने हर कुछ खुद से पेंट किया है यार। ये किस चीज का बना हुआ है? मेटल का है, उसमें ब्रास है, मेटल प्लस ब्रास। ओके, तो जो हमने शॉपिंग की है छोटी मोटी, वो उन्होंने इतने सुंदर से ऐसे एक थैले में दी है। लेट्स गो, इट वाज सो गुड, मतलब मुझे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। जो भी पीसेस थे उनके पीछे, हर किसी के पीछे कोई स्टोरी थी या फिर कोई मीनिंग था, या फिर जैसे मैंने दिखाया वीडियो में कि ओरिजिनल लीफ थी, उसे प्रिजर्व किया हुआ है ब्रास से, इस तरीके की थी चीजें, और कई तो रामायण से रिलेटेड थी, राइट? मुझे वो बहुत अच्छी लगी जो वो डियर के मुझे याद नहीं है, पर वो एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि इफ माय रूट्स आर डीप एंड स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन ग्रो एज मच एज पॉसिबल, रिमेंबर ऑल्दो आई एम अ डियर बट आई हैव एस्केप्ड अ लायन। वाओ, ये
ये बहुत अच्छी समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो इतनी गहराई वाली चीजें थी वो देख के, वो जो आर्टिस्ट दो तीन लड़कियां थी जो कोई पेंटिंग कर रही थी, कोई वीविंग कर रही थी। सो अब हम लोग जा रहे हैं वापस रवाइन होटल, बिकॉज हमें बहुत अच्छा लगा था जहाँ हमने लंच की थी, लेकिन जो एरिया ऑपरेशनल नहीं था वहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम जाके चाय कॉफी जो भी पीनी है वो पी ले। सो वी आर गोइंग बैक टू द रवाइन होटल। वापस आ गए हम लोग रवाइन होटल। इस व्यू के साथ देख रहे हो आप, इस व्यू के साथ हम पी रहे हैं चाय। कम मुंह लगा हुआ है फोन में। डाल लेना बेटा, क्यों चाय ठंडी कर, फीकी चाय पिएगा। बट यू ऑलवेज से के चाय नहीं फीकी पी सकता, कॉफी पी सकता। मेरे दिमाग कॉफी चल रहा था, कुट खाने वाला हो रहा था और कुछ नहीं। मार मुझे खत्म कर। फोन ढूंढ रही हूँ, मेरा फोन यहाँ कैमरे के नीचे नहीं, तो वो भी है कि लाइन की मार दे खत्म कर दे। यस सब लगाऊंगी। गाइज लुक एट दिस, आई हैव बिन कन्विंसिंग कमल टू डू दिस विद मी जब से हम यहाँ पे आने का प्लान हुआ है, बट कमल नहीं मान रहा है। कमल को बहुत रिस्क लगता है। यार कोको चल ले यार, नहीं यार नहीं। एक और आ गए, ये दोनों टकरा गए आपस में तो। वाओ चल ना कोको यार, ना जी सही में प्लीज कोको। अच्छा मुझे करवा दे चल अकेली को, भी नहीं जाएगी भाई। ये क्या बात हुई, मुझे तो करने दो। चलो जी निकल रहे हैं हम यहाँ से और जा रहे हैं अपने होटल। ओके गाइस बैक टू द होटल, चिल करेंगे थोड़ा, घूम लिए सुबह से दो तीन जगह पे जाए। नाउ वी जस्ट वांट टू रेस्ट चिल एंड ऑर्डर फूड इन, मतलब रात का जब भी होगा। तो अभी आई विल नॉट व्लॉग मच, देखते हैं मिलते हैं थोड़ी देर में जब भी मन किया कुछ खास किया। गाइस मुंबई में जितनी ठंड मैक्सिमम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, हम आज वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चंडीगढ़ वंडीगढ़ के हिसाब से दिस इज नथिंग, बट यहाँ के हिसाब से इट्स लाइक इससे ऊपर ठंड नहीं पड़ सकती, तो वो हम इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, आके हमने व्लॉग नहीं किया, मस्त हम एंजॉय करते रहे, चिल करते रहे। अभी निकले हैं हम, आ गए हैं अपनी इवनिंग वॉक के लिए, जैसे कल आए थे रिमेम्बर। कल भी मौसम बहुत अच्छा था, बट आज और ज़्यादा अच्छा है, भर के लिप बाम लगा के आई हूँ अपना। तो अब हम करेंगे कल की तरह वॉक और मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। कल शाम के बाद फिर से व्लॉग नहीं किया बिकॉज कमू एंड आई स्पेंट रियली गुड टाइम टुगेदर। परसों शाम को भी हमारे दिमाग में नहीं आया व्लॉग करना, और कल शाम को भी नहीं आया बिकॉज हम रिलैक्स कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे ईच अदर्स कंपनी। सो अभी सुबह उठ के हमारा एक्चुअली चेकआउट का टाइम है ये, और हमारा ब्रेकफास्ट बुफे भी वहाँ पर रेडी है। सो हम लोग उन्हीं सब चीज़ों में हैं, लाइक फाइनल बिल का पेमेंट हो रहा है और क्या, हाँ, और सामान गाड़ी में चला गया है, और ब्रेकफास्ट करना है, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे वापसी के लिए, वापसी करेंगे हम। सो रात तक घर पहुंच जाएंगे, तकरीबन 8 घंटे हमको लगेंगे पहुंचने में घर। कम हो गया है सामान रखवाने गाड़ी तक, एंड अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने उसके बाद। गुड ट्रिप, अमेजिंग। ओके तो रास्ते में रुके बिकॉज ये क्यों किया हुआ है, ताकि कोई पार्क ना करे, गाड़ी डाल देते हैं इसके। हाँ सो अपर्णा ने बोला था एक पंचगिनी में कोई शहद मिलता है स्पेशल, वो लेने के लिए ये है। हाँ ये दे दो, पीछे रख दो, क्योंकि अपने लिए भी ले लिया। ओके। कैसी दी है स्ट्रॉबेरीज, 200 रुपए किलो, मुझे टेस्ट करा दो, थोड़ी धुली हुई है अगर दे दो। स्ट्रॉबेरीज फाइनली हैव स्टार्टेड, अपर्णा ने जो हनी बोला था वो भी ले लिया,
और घर के लिए भी ले लिया थोड़ा सा हमने हनी, वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बट ले लिया कि अगर स्पेशली अपने ने मंगाया तो हो सकता है कुछ खास होगा तो हम भी टेस्ट कर लेंगे, और स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं। और अब हम निकल रहे हैं पुणे के लिए, क्योंकि वापस से हम पुणे एक हॉल्ट ले रहे हैं छोटा सा, लेकिन हम वहाँ लंच टाइम तक पहुँचेंगे तो हम लंच अब वहीं पर कर लेंगे उन लोगों के साथ, और फिर चाय पी के लंच और चाय करके वहाँ से निकलेंगे सीधा घर के लिए। सिंस कमल वॉज ड्राइविंग और घाट एरिया था तो मेरे को आने लग गए गंदे वाले घमासान चक्कर, मोशन सिकनेस। इफ आई एम ड्राइविंग ना आई फील ऑल राइट। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि घाट एरिया में मैं ही चलाऊं ताकि मुझे चक्कर ना आए, बट आज भूल गए, सो आई टुक लाइक 5 मिनट्स का ब्रेक, नाउ आई एम एबल टू स्पीक। बैठ जा एक बार, यहां बैठ जा। तो अब मुझे ही ड्राइव करना पड़ेगा, नहीं इट्स टू डर्टी। दो मिनट के लिए बैठ जा बस, बॉडी को ना सेट होने दे। व्हाट यू फेल्ट ना, आई फेल्ट इन वो वीआर हेडसेट लगाया था ना, रोलर कोस्टर। नहीं मेरे से घाट एरिया में नहीं बैठा जाता, पीछे तो मतलब पीछे तो सोच के मैं उल्टी कर दूंगी, बगल में बैठ के आई एम स्टिल बेटर, बट आई थिंक आई एम बेस्ट व्हेन आई एम ड्राइविंग। भाई तू ये पूरा एरिया तू कर ले फिर मैं चलाऊंगा। चलो लेट्स गो। हम लोगों का प्लान चेंज हो गया, अपना जतिन ने हमें रोक लिया और हम लोग आज यहीं रुक रहे हैं। हमने काफ़ी बार ऐसे सोचा कि नहीं यार पक्का जाना ही जाना है, बट देन फिर कुछ ऐसा हो जाता था कि लगता है चल ठीक है रुक जाते हैं। अपना सामान ऊपर ले आए हैं। यस, और सामान में से मैं केला निकाल के खा रहा हूँ। जो केला हमने चुराया है सुबह ब्रेकफास्ट बुफे से। चुराया नहीं था। हाँ मतलब हमने लिया था फिर हमने खाया नहीं तो हमने उसे अपने बैग में डाल लिया। प्रेम से ही उठा के लाए। खेल रहे हैं हम फेस 10 क्योंकि रुकने का प्लान हो चुका है। अपर्णा ने हमें रोक लिया है, जतिन ने हमें रोक लिया है और हम रुक गए हैं, और हम एक्चुअली रुकना बस कुछ चाह रहे थे कि कोई हमें रोक ले क्योंकि गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। एंड दिस इज इट गाइस, द हॉलिडे कम्स टू एन एंड। वी हैड अ वंडरफुल टाइम इन पंचगिनी एंड इन पुणे एज वेल, एंड अब हम जा रहे हैं घर वापस। आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।